जय जगन्नाथ, जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, भारत ने चाइना में आयोजित अभी चल रहा है चाइना में आयोजित एशियन गेम्स में 101 मेडल लेकर कीर्तिमान स्थापित किया, और उसमें भी एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया है भारत की हॉकी टीम ने, जापान को 5-1 से हराकर। ये भी बहुत बड़ा अपने आप में कीर्तिमान है, कि बाकी सब हमारे देश में जो देखा जा रहा है कि बाकी सब जितने भी एशियन गेम्स में ओलंपिक में उसमें जो भी जीते जाते हैं पदक, उनकी जितनी मर्यादा रहती है, उनका जितना मान सम्मान रहता है, हॉकी में भारत अगर स्वर्ण पदक जीतता है वो स्वर्ण पदक हमें ज्यादा खुशी देती है। ऐसी बात नहीं कि दूसरे खेलों में हम जब जीतते हैं तो उतनी खुशी नहीं होती है, लेकिन हॉकी में हमें ज्यादा खुशी मिलती है, और भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक जीता जापान को हराकर। और उसमें भी उड़ीसा के एक रोहित दास है, अमित रोहित दास, जो उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले के राउरकेला के हैं, उन्होंने भी 5-1 उन्होंने भी दागा जापान के खिलाफ। तत्पश्चात उड़ीसा की जो सरकार, वर्तमान सरकार है, नवीन पटनायक की सरकार, उन्होंने घोषणा की है कि प्रत्येक खिलाड़ी, जो लोग भी गए थे भारत की टीम से खेलने के लिए हॉकी की टीम में, प्रत्येक खिलाड़ी को मिलेगा 5,500,000 रुपया। इसके अलावा खिलाड़ियों के साथ में जो भी सपोर्टिंग स्टाफ गए थे, जो भी सपोर्टिंग स्टाफ भी 5-7-10 रहते हैं कम से कम, उनको भी मिलेगा 5,500,000 रुपया। मतलब इसको बोला जाता है सपोर्ट। जिस तरह से उड़ीसा सरकार ने सपोर्ट दिया है, कल जैसे ही खेल खत्म हुआ, भारत की टीम ने जीता स्वर्ण पदक, तैसे ही चंद मिनटों में ही नवीन पटनायक ने 5,500,000 रुपया की घोषणा कर दी तुरंत। एवं वहीं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवीन पटनायक ने सारे खिलाड़ियों के संग में बातचीत भी की एवं सबका हौसला अफजाई किया। अब देखिए, इसको बोलते हैं सपोर्ट। मैं इसलिए बोल रहा हूं, मुझे अच्छे तरह से याद है, आगे मैं उड़ीसा के बारे में बोलूं फिर मैं बताऊंगा इतिहास के बारे में बाद में जाऊंगा। 2018 से 2023 अभी 5 साल बीत गया है, और उड़ीसा सरकार ने भारतीय हॉकी टीम का एक्चुअली देखा जाए तो उसका सारा खर्चा अपने सिर पर उठा दिया, अपने कंधे पर उठा दिया उड़ीसा सरकार ने। एवं केवल उड़ीसा के पुरुष हॉकी, माने भारत के पुरुष हॉकी का नहीं, भारत की महिला हॉकी का भी सारा खर्चा अर्थात सारी स्पॉन्सरशिप उड़ीसा सरकार कर रही है 2018 से। और पहले तो उड़ीसा सरकार ने घोषणा की थी 2018 से 4 साल, उसके बाद सरकार ने 1 साल फिर बढ़ा दिया, और अभी जो वर्ल्ड कप जो आयोजन हुआ था, लगातार 2 वर्ल्ड कप हॉकी तो उड़ीसा में ही आयोजन हुए, राउरकेला में और भुवनेश्वर में 2 वर्ल्ड कप आयोजन हो चुके हैं। किस भारत, आजाद भारत के किसी भी एक राज्य में, किसी भी एक शहर में लगातार 2 वर्ल्ड कप हॉकी मैच आयोजन नहीं हुए एक्सेप्ट उड़ीसा। उड़ीसा को छोड़कर, भुवनेश्वर राउरकेला को छोड़कर, भारत में कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, आजाद भारत में वर्ल्ड कप हॉकी मैच लगातार 2 बार आयोजित नहीं हुए हैं। ये कमाल भी उड़ीसा के, ये मुकुट भी उड़ीसा ही पहनेगा इस कमाल का, क्योंकि उड़ीसा सरकार ने दिल खोल के रकम खर्चा कर रही है, की भी है और आगे भी खर्चा करेगी। 2018 में वर्ल्ड कप आयोजन हुआ हॉकी का भुवनेश्वर में, 2023 में जो वर्ल्ड कप आयोजन हुआ वो राउरकेला में भी हुआ, भुवनेश्वर में भी हुआ। राउरकेला में जो स्टेडियम बना है, नया हॉकी स्टेडियम, विश्व का सर्वाधिक बड़ा स्टेडियम है हॉकी स्टेडियम,
मतलब सारे संसार में किसी भी देश में किसी भी शहर में इतना बड़ा हॉकी स्टेडियम नहीं है जितना बड़ा उड़ीसा सरकार ने राउरकेला में बनाया। अब राउरकेला में क्यों बनाया, इसका भी पीछे कारण है। राउरकेला जो शहर है वो आता है सुंदरगढ़ जिले में, और सुंदरगढ़ जिले में जितने भी गांव कस्बे देहात हैं वो सारे के सारे हॉकी मय हैं। बच्चे बच्चा बच्चा वहां पर हॉकी खेलता है, प्रत्येक गांव में हॉकी खेला जाता है, मतलब हॉकी ही उनका प्रिय खेल है। शायद ऐसा जिला तो भारत में कहीं दूसरे राज्य में नहीं होगा। इसलिए नवीन पटनायक ने एकदम दूरदर्शिता का काम किया है और उन्होंने राउरकेला में ही हॉकी स्टेडियम बनाया, मतलब हॉकी खिलाड़ियों का हौसला अफजाई उनके गांव में उनके शहर में उनकी जगह में हॉकी स्टेडियम बना दिया, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन स्टेडियम। ये उड़ीसा सरकार का विशेषकर नवीन पटनायक का हॉकी प्रेम दर्शाता है। एवं नवीन पटनायक का भी क्यों दर्शाता है इसके भी पीछे मैं आपको बता दूं, नवीन पटनायक जब मतलब अपने स्कूली जीवन में और कॉलेज के जीवन में हॉकी खेलते थे एवं हॉकी के गोलकीपर हुआ करते थे, इसलिए उनका लगाव विशेष लगाव हॉकी खेल के साथ में है और हॉकी प्रेम के चलते उन्होंने भारतीय हॉकी को उठाने के लिए बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए अभी तक खर्चा कर दिया है। और 2000 उड़ीसा गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंसमेंट किया 2033 तक अर्थात 2033 तक भारत की पुरुष हॉकी महिला हॉकी का स्पॉन्सर करेगा उड़ीसा। इसलिए आप देखिए भारतीय खिलाड़ी जो भी खेलते हैं चाहे वो वर्ल्ड कप हॉकी खेले एशियन गेम्स में हॉकी खेले या ओलंपिक में हॉकी खेले उनकी जर्सी में लिखा होता है उड़ीसा इंडिया। ये दो बात को आप अगर गौर करेंगे आप देखने को पाएंगे। ये तो मैंने बताया उड़ीसा गवर्नमेंट का वित्त का। अब मैं बता रहा हूं मुझे अच्छी तरह से याद है 1975 में क्वालालंपुर में इसमें मलेशिया की राजधानी क्वालालंपुर में हॉकी विश्व कप आयोजन हुआ था और वो विश्व कप जो है भारत ने स्वर्ण पदक जीता उस हॉकी विश्व कप में। उसकी जो बेमिसाल टीम की उसके कैप्टन थे मुझे सब याद अभी तक। उस जमाने में तो मतलब आपका ये जो टेलीविजन भी नहीं हुआ करता था कि कमेंट्री कहाँ से आएगी, रेडियो से हम लोग मैं उस समय कॉलेज में पढ़ता था और रेडियो से पूरा कमेंट्री में सुना हूँ हॉकी का। उसमें अजित पाल सिंह भारत के कैप्टन थे, अशोक कुमार जो मेजर ध्यानचंद जो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं सारी दुनिया में, मेजर ध्यानचंद के बेटे अशोक कुमार और एक रेलवे की तरफ से इंडियन रेलवे की तरफ से खेलते थे वो डिफेंडर थे भारत के सुरजीत सिंह और दूसरे डिफेंडर थे भारत के माइकल किंडो। वो माइकल किंडो भी सुंदरगढ़ के ही है जहां से अभी अमित रोहित दास ने जो एक गोल किया है जापान के खिलाफ वो जिस सुंदरगढ़ से आते हैं उसी सुंदरगढ़ जिले से भी आते हैं। अभी हाल में साल छह महीने के नीचे उनका शरीर शांत हुआ उनका निधन हुआ माइकल किंडो का अभी मैक्सिमम एक साल हुआ होगा शायद। और मतलब क्या आप देखिए मैं 1975 की टीम का बता रहा हूँ अभी 2023 चल रहा है मतलब 48 साल का तो लेखा जोखा मैंने संक्षिप्त में आपको बता दिया। आज भारत के जो भारतीय हॉकी टीम के जो मुखिया है वो हैं दिलीप तिर्की, वो भी भारत के कप्तान रहे हुए हैं, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रहे हुए हैं। उनके मार्गदर्शन में भी एशियन गेम्स में भारत की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, वो भी वही उड़ीसा के ही हैं दिलीप तिर्की। इसके अलावा और चार पांच ऐसे खिलाड़ी हैं जो उड़ीसा की तरफ से भारतीय हॉकी टीम में खेले हैं और भारत की तरफ से गोल दागे हैं विरोधियों को टीम में। ये मैंने आपको बताया संक्षिप्त में। अब और बताता हूं कि एक जमाना था आज से 1970 के दशक में जब भारतीय हॉकी टीम खेलती थी तो अंग्रेजों ने मतलब पहले तो जब आजादी के बाद पूरे विश्व में दो ही हॉकी टीम थी एक भारत दूसरा पाकिस्तान, इन दोनों टीमों का दबदबा रहा आजादी के बाद भी, मतलब 1975 के आसपास या 76 के आसपास मतलब 20-25 साल तक भारत की आजादी के पाकिस्तान की आजादी के 20-25 साल तक इन दोनों टीमों का दबदबा रहा विश्व में हॉकी के मैदान में। लेकिन अंग्रेजों ने अपने चाल चल के इसको क्या क्या तब्दीली कर दी मैं आपको बता रहा हूं। पहले तो उन्होंने कर दिया एस्ट्रो टर्फ मतलब आर्टिफिशियल घास का जो मैदान
उन्होंने वो तो सब पैसे वाले देश थे, जैसे स्पेन, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे, अर्जेंटीना, ये सब पैसे वाले देश थे। वहां पर ये लोग क्या किए, एस्ट्रो टर्फ बिछा दिए। अब भारत में खिलाड़ियों के पीछे भारत सरकार, तो पहले जो कांग्रेस की सरकारें हुआ करती थी सेंटर में, वो खिलाड़ियों के ऊपर बिल्कुल ध्यान देती नहीं थी, और जैसे तैसे बस जर्सी उर्सी, मतलब क्या है कि जूते मोजे अगर दे दिया और उनको विदा कर दिया, बस हो गया, तुम लोग खेलो अपने हिसाब से। तो यहाँ एस्ट्रोटर्फ का खर्चा था करोड़ों में, और भारत की टीम जब से यूरोपियन देशों के इशारे पर एस्ट्रोटर्फ आया, मतलब आर्टिफिशियल घास बिछाई गई खेल के मैदान में, हॉकी के मैदान में, तब से भारत की हॉकी टीम पिछड़ती गई। पहले भारत की हॉकी टीम पिछड़ी, तत्पश्चात पाकिस्तान की भी हॉकी की टीम पिछड़ी, और ये दोनों चिर प्रतिद्वंदी, और सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचने में काफी दिक्कतें आ गई, क्योंकि एस्ट्रोटर्फ खेलने के इनके भारत में तो कहीं एस्ट्रोटर्फ था ही नहीं। जो आर्टिफिशियल घास का मैदान तैयार किया जाता है वो भारत में किसी भी राज्य में किसी भी शहर में नहीं था। तो ये दोनों आस्ते आस्ते ये दोनों के दोनों टीम पिछड़ते गई। आज तो एस्ट्रोटर्फ तो हमारे उड़ीसा में दो है, एक तो राउरकेला में है, दूसरा भुवनेश्वर में है, इसके अलावा सुंदरगढ़ में भी एक दो जगह और भी है, मतलब उड़ीसा में है तीन चार, तो भारत की तो बात छोड़िए, भारत में तो और भी होंगे। तो आज ये नजारा है। इसके अलावा भारतीय जो हॉकी की, ऐसे ऐसे इन्होंने कानून बनाए यूरोपियन टीम ने कि फील्ड गोल आजकल बहुत कम होते हैं, इस तरह के कानून बना दिए जिससे कि भारत और पाकिस्तान की टीम ज्यादा आगे नहीं बढ़ सके। फील्ड गोल से गोल, अब फील्ड गोल में मतलब डायरेक्ट गोल पोस्ट में जो है गोल कम होते हैं, वो जो डी एरिया होता है उसमें ऐसा होता, ऐसा करने से थोड़ा फाउल हो जाता है, तो पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रॉक, ये दोनों चीज ऐड करा दिए, मतलब जिसका महत्व कम था उनको महत्व ज्यादा दे दिया गया हॉकी में, और जो फील्ड गोल से ज्यादा गोल हुआ करते थे उसको कम कर दिया गया, अपने चालाकी चतुराई से, पॉलिटिक्स से यूरोपियन टीमों ने ऐसा हल किया हॉकी का। तब क्या कि ये दोनों के दोनों टीम आस्ते आस्ते एशियन जो टीम जो जाइंट हुआ करते थे, वर्ल्ड पावर हुआ करते थे हॉकी में, ये दोनों के दोनों पिछड़ते गई। लेकिन कितना दिन पिछड़ेगी, आस्ते आस्ते जो विदेशी कोच जो है वो तो सब पैसा लेके सब टीम को कोच देने के लिए तैयार रहते हैं, तो विदेशी कोच ने आकर भारतीय हॉकी संघ ने विदेशी कोच को बुलाया और उनसे ट्रेनिंग करवाया बच्चों को। जब हमारे भारत के हॉकी टीम के खिलाड़ी उनसे ट्रेनिंग लिए, एस्ट्रो टर्फ खेले, तब जाके वो जो पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक की सारी विद्या भारतीय टीम ने भी सीख लिया। लेकिन मैं अभी तक भी मानता हूं उसमें भी अभी तक 100% परफेक्शन भारत की टीम का अभी तक आया नहीं है, क्योंकि अभी भी देखने को मिलता है कि भारत जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल, मतलब ओलंपिक में इसमें चल रहा है तो सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन फाइनल में पहुंचने में अभी भी दिक्कत है। भारत की टीम को अभी और ज्यादा मेहनत की, रियाज की, एक्सरसाइज की जरूरत है, और टेक्निक की, ये जो पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी स्ट्रोक की जो टेक्निक है उसको भी सीखने की ज्यादा जरूरत है। मुझे वो भी अच्छे तरह से याद है कि एक बार भारत की टीम के कप्तान हुआ करते थे एमपी गणेश, और हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में खेल हुआ था यूरोप में, और उस समय मतलब फाइनल में भारत की टीम पहुंच गई थी, लेकिन ये पेनल्टी स्ट्रोक, पेनल्टी कॉर्नर के चलते उसमें कमजोरी हमारी भारत की रही, इसलिए वो मतलब मैच हम लोग हार गए थे, अर्थात भारत हार गया था। अब आस्ते आस्ते उसमें सब सुधार हो रहा है। फिर भारत के अभी जितने भी हॉकी के खिलाड़ी हैं वो हॉकी के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन उड़ीसा सरकार दे रही है, और इतना प्रोत्साहन तो मैं सोचता हूँ शायद आजाद भारत में किसी भी खेल में किसी भी सरकार ने, यहां तक कि केंद्र सरकार ने भी, किसी भी राज्य सरकार ने भी नहीं दिया होगा जितना प्रोत्साहन हॉकी की टीम को उड़ीसा की सरकार भारतीय हॉकी की टीम को दे रही है। संपूर्ण रूप से पूरा इनके लिए खाता खोल दिया गया, माने खुला छूट इनको दिया गया, रात दिन मेहनत करो, देश का नाम रोशन करो, पैसे की कोई चिंता नहीं है, आगे बढ़ते ही जाओ, बस बढ़ते ही जाओ, उड़ीसा का भी नाम रोशन करो, भारत का भी नाम रोशन करो। और हम तो बहुत खुशी हो रही है कि अभी तक मैं तो अभी आया हूं हमारे न्यूज रूम से, 101 मेडल अभी तक भारत की टीम ने जीत हासिल कर ली है, 101
भारत के इतिहास में, एशियन गेम्स के इतिहास में पहली बार है कि भारत ने 100 पदकों का मतलब शतक लगाया है, सेंचुरी मारी है भारत ने एशियन गेम्स में, 101 मेडल, कितना शुभ फिगर है 101। और अभी तो शायद आज और कल दो दिन और मैच बाकी है और मुझे उम्मीद है कि भारत और 4-5-7 मेडल और भी जीतेगा, कंफर्म है, क्योंकि जिस स्टेज से मतलब फाइनल में सेमीफाइनल में भारत की टीम पहुंची हुई है, 5-7 मेडल और आने की संभावनाएं हैं। अब देखिए खेल का एक मैदान ऐसा है, किसी जमाने में खेल में रूस और जैसे ही ओलंपिक खेल होता था उसमें सर्वाधिक मेडल पाता था रूस, द्वितीय नंबर सेकंड नंबर था ईस्ट जर्मनी का, अभी तो ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी दोनों मिल गए हैं, और तीसरे नंबर पर अमेरिका होता था। जब सोवियत यूनियन बड़ा देश हुआ करता था उस समय की बात मैं बता रहा हूं, मतलब आज से करीब 30-40 साल पहले की बात। फिर सोवियत संघ का विघटन हुआ, खंड खंड हुआ, उसके बाद से जो सोवियत संघ की जो ताकत घटी, जो खंडित हुआ सोवियत संघ, और उसके बाद से मेडल तालिका में ओलंपिक में मैं सोचता हूं शायद 7-8 के बाद रूस का नंबर आता है, जो पहले ओलंपिक में हमेशा रूस जाए, सोवियत संघ विघटन के पहले मान रशिया, अखंड रशिया के पहले कभी भी ओलंपिक खेल होता था तो 1 नंबर में रशिया, 2 नंबर में पूर्वी जर्मनी, 3 नंबर में अमेरिका होता था। आज 1 नंबर में होता है अमेरिका, 2 नंबर में चाइना, और भारत का स्थान 15-20-25 के बाद आता है। लेकिन बड़ी सुखद स्थिति है, आस्ते आस्ते जब से नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे देश में आई है खिलाड़ियों के ऊपर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। ये जो नीरज चोपड़ा है जो जैवलिन थ्रो में अभी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पाए हैं, ओलंपिक में भी पाए थे, उनके पीछे करोड़ों करोड़ों रुपया भारत सरकार खर्च करी है, और साल में 9 महीना 10 महीना तो ये यूरोप में रहते हैं, यूरोपियन कोच से ट्रेनिंग लेते हैं। एक एक खिलाड़ी के ऊपर भारत सरकार पूरा ध्यान दे रही है, प्रत्येक खिलाड़ी के ऊपर, कि सबसे बेहतरीन कोच उनको मुहैया कराया जाए, सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग उनको दी जाए, और जिससे कि देश का नाम रोशन हो और वो देश के लिए कमाल कर सके, सोने चांदी और कांस्य से देश की भरमार कर सके। जब हमारा देश, ये भी एक बहुत बड़ी सम्मान की बात है, क्योंकि जो देश जितना ताकतवर होगा दूसरे कामों में उतना ही ताकतवर, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर दिखना चाहिए गेम्स और स्पोर्ट्स में, खेल में भी उतना ही ताकतवर होना चाहिए, या मैं तो कहूं उससे ज्यादा ताकतवर होना चाहिए, तभी जाके देश के नाम, तभी जाके देश का नाम और देश की शान आगे बढ़ेगी। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।